रावतपुरा पुलिस को एक अपराध की गुत्थी सुलझाने में सफलता मिली है। मिली हुई जानकारी के मुताबिक सूरत की सलावतपुरा पुलिस को खुफिया जानकारी मिली कि गत 2 से 3 दिन पहले सलावतपुरा इलाके में उमरवाड़ा टैनामेंट में एक फ्लैट में घरफोड़ चोरी को अंजाम देने वाला आरोपी सलावतपुरा इलाके में खुलेआम घूम रहा है। जानकारी के आधार पर नजर रखकर पुलिस ने सलावतपुरा इलाके में से 3 अपराधियों को धर दबोचा और सलाखों के पीछे पहुंचाया और उनके पास से सोने चांदी के गहने तथा नगद रुपए मिलाकर कुल रुपए 1,60,000 का मुद्दा माल बरामद किया। सारा मुद्दा माल पुलिस ने कब्जे किया और आगे की जांच सलावतपुरा पुलिस ने शुरू की है। तारीख 19/4 अन्य एक गुनो दाखिल थे, जे गुना रजिस्टर नंबर 151/2018 IPC कलम 380-457 ना गुनामां उमरवाड़ा खाते घरफोड़ चोरी करवामां आवेल, जेमां कुल्ले चांदीना दागीना सोनाना दागीना वगैरे मळी 1,07,500 मुद्दामाल गुम थयेल। जे बाबते डिस्टाफनी सतत कामगीरी चालू होय अने आ बाबतनी तपास PSI कछवा करता होय तेओए आ गुनामां 3 आरोपी अटक करेल छे, जेमां नईमुद्दीन उर्फे बोक्यो के जेने 2 दिवस अगाउ ज पासा वॉरंट बजावणी करी बरोडा खाते मोकली आपेल छे तेने पकड़वानो त्यांथी ट्रांसफोर्मरथी लावानो बाकी छे। ज्यारे अन्य 2 आरोपी रहीम खान उर्फे सलमान, इमरान उर्फे भूरियो अने आ बोक्यानी माता आमीना बीबीने धरपकड़ करवामां आवेल छे। तेओना तारीख 23/4/18 रोज सुधीना रिमांड पण मेळवामां આવેલ છે અને અન્ય કોઈ ગુનાઓ કરેલ છે આ બાબતે કોઈ અન્ય સાગરીતો પણ આમાં સામેલ છે કે કેમ તે બાબતની તપાસ હાલ ચાલુ છે। કેટલા આરોપીને અટકાયત કરી છે? હાલ 3 આરોપીની અટકાયત કરવામાં આવેલ છે, જેમાં 1 સ્ત્રી આરોપી છે અને 2 પુરુષ આરોપી છે, 1 આરોપી લાવવાનો બાકી રહેશે। રિપોર્ટ બાય રફીક શેખ, ક્રાઇમ 7 ન્યૂઝ, સુરત।